On physics, and the topic is work energy and power. Let's talk about work. Work होता क्या है? अगर मैं किसी body को push करूँगा और body उस force के direction में move करेगी, तो हम बोलेंगे कि work हुआ. Force into displacement is work. Force की direction में एक force से push करेंगे और वो body उस force की direction में move करेगी, तो हम बोलेंगे कि ये work हुआ. अगर हमने किसी बॉडी को पुश किया, किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया और उस फोर्स के इफेक्ट के बावजूद वो बॉडी मूव नहीं करती, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ. सो जिसमें फोर्स होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी. अगर हम बात करें जो फोर्स है वो एक एंगल से लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से, और तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क को बाय टेकिंग द horizontal component cos theta, f cos theta in the direction of the displacement लेके cos theta component लेके हम उसमें करेंगे. क्योंकि इसमें cos theta component involved हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं f vector dot s vector, और इसे हम बोलते हैं dot product या फिर scalar product. अगर मैं इसकी dimension की बात करूँ तो मुझे पता है जो force की dimension है वो mlt minus 2 है, जबकि जो displacement dimension l है, तो इससे work की dimension आ जाएगी mlt minus 2. अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट इससे न्यूटन मीटर हो जाएगी, और जबकि इसकी यूनिट जो SI यूनिट है वो जूल है. लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, जो डिस्प्लेसमेंट से जो उसका एंगल बन रहा है फोर्स का, वो परपेंडिकुलर बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक कुली है, वो किसी वर्क उस किसी लोड को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा है, तो उस पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके डिस्प्लेसमेंट से. तो इस केस में जो 90 थीटा एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो इस तरह से हमें पता है कि कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन इस केस में जीरो हो जाएगा. ऐसे अगर मैं बात करूँ जो सैटेलाइट्स होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो वो भी अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स उससे 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इस तरह उसमें भी वर्क डन जीरो हो जाएगा. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 joule ऑफ वर्क को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 newton into 1 meter. डेट इज अगर कोई बॉडी पे 1 newton फोर्स लगता है और वो 1 meter डायरेक्शन में मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क डन इज सेट टू बी 1 newton. तो बात करूं तो जो 1 joule है वो इक्वल होता है 10^7 ER ग्रेविटेशन यूनिट्स की. तो इसमें सबसे पहले ऐसा यूनिट में हो जाएगा 1 kilogram meter. नेचर ऑफ वर्क इन वेरियस सिचुएशन. अब 3 type के वर्क्स होते हैं हमारे पास. नंबर 1 है पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 है नेगेटिव वर्क, एंड नंबर 3 इज जीरो वर्क. सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा. अगर एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल में है, मतलब कि उस पर ग्रेविटी का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस वो नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क एग्जाम्पल. इसी तरह अगर मैं किसी बॉडी को पुश करता हूँ और वो बॉडी मूव करती है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैन इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव वर्क. नेगेटिव वर्क की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव वर्क तब होगा जैसे कि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है बॉडी की मूवमेंट को. तो फ्रिक्शन एग्जाम्पल होगा, फ्रिक्शन वर्क द्वारा, वर्क बाय फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव वर्क. ऐसे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे ब्रेक्स लगते हैं, ब्रेक्स नेगेटिव वर्क के एग्जाम्पल को शो करेंगे, क्योंकि वो अपोज करते हैं, उसमें फोर्स जो लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है मूवमेंट के. जीरो वर्क की अगर मैं बात करूं तो जीरो वर्क तब होगा जब फोर्स तो लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे कि या फिर फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे एंगल पे हो रहा है. जैसे कि एक कुली है, वो किसी वेट को लेके खड़ा है, तो इस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ जो सैटेलाइट एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, ये सैटेलाइट अगर मूव कर रही है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में, तो ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल जीरो वर्क का, क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इसमें वर्क डन हो जाएगा जीरो. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में बिना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के अगर मूव कर रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा जीरो वर्क का, क्योंकि उसमें भी कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. इवन फोर्स होता क्या है, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने पुश किया, अगर मुझे स्प्रिंग को 2 centimeter मूव करना है तो मुझे बस 10 newton फोर्स ही लगाना पड़ा. बट फर्दर अगर मैं उसे 2 centimeter और पुश करना चाहता हूँ, तो मुझे अब 10 newton से ज़्यादा लगाना पड़ेगा. 2 centimeter और पुश करना है तो
मुझे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इसी में मुझे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अगर फोर्सेस वेरिएबल ही होते हैं, फायर किया जाता है आउट ऑफ द अर्थ, तो उसमें स्टार्टिंग में कम फोर्स, स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फोर्स कम लगाना पड़ता है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्सेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो फोर्स कम। सपोज इट इज अ वेरिएबल फोर्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इट एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स अ बॉडी फ्रॉम x1 distance to x2 distance, so we have to calculate the work done in this case. So what we'll do, this is a graph of that work, the force, the variable force. So what we'll do, we'll reduce it into, hum isko reduce kar denge different rectangles mein, bahut small rectangle. Ye distance x1 distance se, x2 distance se, x1 plus delta x distance mein जो वर्क डन हुआ वो निकल सकता है हमारा फॉर्मूले से, स्मॉल वर्क डन निकल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। इस तरह से हम इसके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो वो हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन कहां से, एक्स वन से एक्स टू तक, एक्स वन से एक्स टू तक, जो कि आ जाएगा एफ एक्स। अब वेरिएबल फोर्स हमें लेना पड़ेगा एफ एक्स। इसके अलावा इसके बाद में बात करूं तो अगर मैं इसको और छोटी स्क्रिप्ट में डिवाइड कर देता हूं, इस रेक्टेंगुलर स्क्रिप्ट को, तो जो डेल्टा एक्स है वो 10 टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो वर्क डन अब आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा, अब जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो समेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एफ एक्स डेल्टा एक्स, जो कि और कुछ नहीं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स वन एक्स टू एफ एक्स टाइम्स एक्स। तो इस तरह हम वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन को कैलकुलेट। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसमें वर्क डन बाय फोर्स इंडिपेंडेंट होता है उसके पाथ से, बट डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है पाथ फॉलोड से। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेटिव एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आप किसी बॉडी को किसी हाइट पर ले जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो ये इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बट अगेंस्ट द फ्रिक्शन अगर हम वर्क करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस पाथ को फॉलो करते हैं, कि उस हिसाब से ही वर्क डन ज्यादा या कम होगा।